यह बात उस समय की है जब अस्पृश्यता अपने चरम पर थी। एक बार एक धनी सेठ की कन्या अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा के लिए एक उद्यान जा रही थी। तभी मार्ग में उसे मातंग नाम का एक व्यक्ति दिखा जो जाति से चांडाल था। अस्पृश्यता की परंपरा को मानने वाली वह कन्या मातंग को देखते ही उल्टे पाव लौट गई। उस कन्या के वापस लौटने से उसकी सहेलियां और दासियां बहुत क्रुद्ध हुई और उन्होंने मातंग की खूब पिटाई की। मार खाकर मातंग सड़क पर ही गिर पड़ा। उसका खून बहता रहा मगर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। मातंग को जब होश आया तो उसने उसी क्षण अस्पृश्यता के विरोध का निश्चय किया। वह उस कन्या के घर के सामने पहुंचा और जहां वह भूख हड़ताल पर बैठ गया। 7 दिनों तक उसने न तो कुछ खाया और न ही पिया। बस वह इसी मांग पर अड़ा रहा कि उसकी शादी उस कन्या से तत्काल करवा दी जाए, वरना वह बिना खाए पिए ही अपने प्राण त्याग देगा। 7 दिनों के बाद मातंग मरणासन्न हो गया। तब उस कन्या के पिता को यह भय हुआ कि अगर मातंग वहां मरेगा तो उसके मृत शरीर को कौन हाथ लगाएगा, वहां से हटाएगा। अत उस भय के कारण पिता ने अपनी ही कन्या को जबरदस्ती मातंग के पास ढकेल अपना दरवाजा बंद कर लिया। मातंग ने तब अपनी हड़ताल तोड़ी और उस कन्या के साथ विवाह रचाया। फिर उसने अपने गुणों और कर्मों से पहले अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वह किसी भी जाति के व्यक्ति से कम गुणवान नहीं था। पत्नी को विश्वास दिलाने के बाद उसने अपने नगरवासियों को भी यह विश्वास दिलाया कि वह एक महान गुणवान व्यक्ति था। एक बार उस नगर के किसी ब्राह्मण ने उसका अपमान किया तो लोगों ने उस ब्राह्मण को पकड़ उसके पैरों पर गिर माफी मांगने पर विवश किया। माफी मांगने के बाद वह ब्राह्मण किसी दूसरे राज्य में चला गया। संयोग से मातंग भी एक बार उसी राज्य में पहुंचा जहां उस ब्राह्मण ने शरण ली थी। मातंग को वहां देख उस ब्राह्मण ने उस देश के राजा के कान भरे। उसने राजा को बताया कि मातंग एक खतरनाक जादूगर है जो उसके राज्य का नाश करा देगा। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुला तुरंत ही मातंग का वध करने की आज्ञा दी। ब्राह्मण के षड्यंत्र से अनभिज्ञ मातंग जब भोजन कर रहा था तभी सिपाहियों ने अचानक उस पर हमला बोला और उसकी जान ले ली। मातंग के सहार से प्रकृति बहुत कुपित हुई। कहा जाता है उसी समय आसमान से अंगारों की वृष्टि हुई जिससे वह देश पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गया। इस प्रकार बोधिसत्व मातंग की हत्या का प्रतिशोध प्रकृति ने लिया। मिथिला के एक राजा की मृत्यु के पश्चात उसके 2 बेटों में भयंकर युद्ध हुआ। अंतत बड़ा भाई मारा गया और छोटा भाई राजा बना। बड़े भाई की पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक वन में किसी सन्यासी की शरण में रहने लगी। वहीं उसने अपने बढ़ते पुत्र को अपने दादा और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित किया। 16 वर्ष की अवस्था में पुत्र ने पैतृक राज्य प्राप्त करने के लिए धन और सेना इकट्ठा करने की ठानी। अत उसने सुवर्णभूमि को प्रस्थान किया, किंतु रास्ते में उसका जहाज डूब गया। समुद्र में तैरते हुए उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। वन में घूमते हुए उसने एक आम्र वाटिका में आश्रय लिया। उसी दिन मिथिला के राजा की मृत्यु हो गई, जो और कोई नहीं उस कुमार का चाचा ही था। जब लोग राजसलाहकारों के साथ ढोल बजाते हुए एक नए राजा की खोज में जा रहे थे तो उनकी दृष्टि आम्र वाटिका में सोते कुमार पर पड़ी। मिथिला राजसलाहकारों ने किशोर के शरीर पर राजायोग्य कई लक्षण देखे। अत उसने उसे जगाकर महल में आमंत्रित किया। वहां राजकुमारी सीवली ने उसे कुछ पहेलियां पूछी जिसका जवाब कुमार ने बड़ी बुद्धिमानी से दिया। फिर दोनों की शादी करा दी गई और वह किशोर मिथिला का नया राजा बना दिया गया। इस प्रकार कुमार ने अपने दादा और पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सिवली से उसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। कालांतर में महाजंग संन्यास को उन्मुख हुआ और सीवली की प्रत्येक चेष्टा के बाद भी गृहस्थ जीवन का परित्याग कर सन्यासी बन गया।